यार, तो पहली चीज ये है कि ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो रीजन ये था मेरा इतना लंबा ट्रेवल करने का नॉन स्टॉप, कि मुझको उस डेट पे नागपुर पहुंचना था, बिकॉज मेरे दो दोस्त नागपुर आ रहे थे भोपाल से। तो अगर मैं नहीं पहुंचता वहां पे तो मेरी वजह से पूरा प्लान कैंसिल होता, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर बॉय हनी बॉय, वेलकम अगले पार्ट में आपका बहुत बहुत वेलकम। आवाज साफ नहीं आ रही है क्योंकि मैं तेज भगा रहा हूँ। मुझको मेरी जुबान प्यारी थी, मुझको वादा पूरा करना था अपना, तो मैं चल रहा हूँ, रात भर चल रहा हूँ, शाम से चल रहा हूँ, बस चले ही जा रहा हूँ। कब रुकूंगा पता नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। रुको पहले, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन भैया, स्लो डाउन, हैंडल हिल रहा है आपका, स्लो डाउन। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा था, अभी एक सागर नाम से एक सिटी आने वाली है, उजाला तब तक क्या पता हो जाए, मुझे मुश्किल लग रहा है, थोड़ी बाद में ही होगा उजाला। जल्दी से पहले उजाला हो तब आता हूँ मैं वापस लौट के। मुझे लगता है सबसे लंबी राइड अभी तक आप लोगों ने मेरी देखी होगी, ये सोलो राइड है जो 929+20 किलोमीटर 950 किलोमीटर अप्रॉक्स हो गए। ठीक है, बस 50 और चलना है और मेरी सेंचुरी हो जाए, मतलब सेंचुरी या 1000 किलोमीटर हो जाएंगे, नो ब्रेक और एनीथिंग। शाम को 5 बजे निकला था, मतलब आप लोगों ने सबसे लंबी सोलो राइड अभी तक यही देखी होगी आपने मेरी। अगर किसी और की देखी है तो अच्छी बात है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं अकेला परलोक से सिधा रहा हूँ नीचे सीधे, जो ये सिर्फ जो चीज़ मैं कर सकता हूँ, मतलब 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप, एकदम 1000 किलोमीटर पे रोकूंगा मैं, दिखाऊंगा आपको। रात के डिनर में भी बर्गर खाया था सिर्फ। दिस इज सो गुड मैन। यार ये जानवर कैसे है यार रोड पे, इन्हें हटाओ यार, थोड़ा सा ही बचाओ, 2 डंडे बचे पेट्रोल के, आगे मिले ना मिले यहीं भरा देता हूँ। बाकी सब चीज़ें तो छोड़ो भाई, ये आज रात को इन गायों ने बहुत परेशान करा, मतलब 999.9 और ये हो गए पूरे के पूरे। बस 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 यहीं पर रुक जा, 1000 किलोमीटर कंप्लीट, 1000 किलोमीटर देख रहे हो मेरे भाइयों, 1000 किलोमीटर सिंगल रन में। और अभी टाइम कितना हो रहा है, 7 बज रहे हैं, 12, 13, 14 घंटे में एग्जैक्ट 7 बज रहे हैं अभी। इसी बात में इंस्टाग्राम की स्टोरी अपडेट हो जाए। हाँ तो मैं यहाँ पर भी नहीं रुका और आगे चलता गया, मतलब देखो मूवीज वगैरह में तो बहुत देखा है, पर अब सामने से देखने को मिलेगा ना धीरे धीरे, ये चीज़ें उत्तराखंड में नहीं होती है, तो हर चीज़ देखनी है यार मुझे, अब हर चीज़ देखनी है। कितना सेक्सी है यार, कितना सेक्सी है, उत्तराखंड की अच्छी है पर देख देख के अब ऐसा हो गया ना कि अब आदत पड़ गई है, अब ये कुछ नया है। अरे वाह, ये कौन सी नदी है, कितना प्यारा लग रहा है यार ये। दिस इज़ वॉट इट मीन्स टू बी अ राइडर, नॉन स्टॉप 1000 किलोमीटर प्लस, आई एम ऑसम ब्रो। मुझे अभी यहाँ से नागपुर जाना है, नागपुर में अभी मेरे दोस्त आएंगे, मेरे कुछ दोस्त भोपाल से और एक जो दोस्त है वो नागपुर से ही है, और तो सिर्फ उनके चक्कर में मैं इतने दूर नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, सिर्फ उनके चक्कर में मैंने जुबान दी है, जुबान की कीमत होती है मेरे दोस्तों, बाकी कुछ नहीं। पैसा क्या है, पैसा हटाओ, इंसान की जुबान है सबसे ज़्यादा कीमती, पैसे भी है सर। ओके तो ये है नरसिंहपुर, ये पूरा एरिया, ये पुर बहुत है पता, इस एरिया में, मतलब इस एरिया के नीचे नीचे जाओगे ना जैसे हैदराबाद की तरफ, तो पुर बहुत सारे पुर है। बोल ही रहा था रोड में गाय कम करो, यहाँ तो सुन ली मेरी पुकार किसी ने, सब वहीं यहीं छोड़ दी सारी गाय। व्हाट द फक इज, अब यार देखो 1000 किलोमीटर अगर मैं चलाऊंगा तो मेरी पीछे तो दर्द हो गई ना बम में, तो कभी कभी मैं ऐसे खड़े उठ के चला रहा हूँ और जो अपना पिच्छू है वो बैग में रख दे रहा हूँ, तो ऐसे ही चलना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। रात में तो थोड़ा बहुत चला था मैं ऐसे, अभी हल्का सा फिर दोबारा पेन हुआ तो फिर बैठ गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। ब्रेकफास्ट करने के लिए भी कोई मिल ही नहीं रहा यार मुझे अच्छा सा, कल से मेरा कुछ काम नहीं है, बस ट्रकों को ही ओवरटेक करने पे लगा हूँ, एक ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, पूरा रास्ता ऐसे है, मतलब पूरा रास्ता ही ऐसी है, कुछ नहीं है पूरे रास्ते में, सेम डिटो जो दिख रहा है, बस नज़ारे दिख रहे हैं थोड़े बहुत बीच बीच में।
ओहो, लीन करने के लिए रोड भी है। मुझे लगा नहीं था इतनी मतलब प्यारी रोड होगी यार। कर्व्स वगैरह, कर्व्स देखो ना यार रोड में, ये तो पहाड़ों की रोड जैसा सीन है यार। ये मतलब नदियाँ, छोटे छोटे झरने वगैरह कितने प्यारे हैं यार यहाँ के। ये चीज़ें अच्छी लग रही है यहाँ बहुत। बातें करते करते आगे निकल गया था गलती से। अरे मुझे बीच बीच में झपकियाँ लगने पर लगी हुई यार बहुत ज़्यादा। और मुझको नागपुर पहुँचना ही पहुँचना है चाहे कुछ भी हो भाई। और हाँ वो सब छोड़ो, मैं खड़े होकर इसलिए चला रहा हूँ ताकि मुझे नींद ना आए यार। साउथ वाले जैसे नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ अच्छा लगता है, वैसे ही हम नॉर्थ वाले हैं, हम साउथ की तरफ जाते हैं तो हमें साउथ अच्छा लगता है। है तो पूरा इंडिया अच्छा है वैसे, पर ऐसा होता ना कि मतलब जो चीज़ जिसको मिलती रहती है ना उसकी कदर नहीं करते ना। ये भी तो है। हाँ सोनम, ये तेरे लिए है क्योंकि तू बेवफा निकली। अगर मेरे पे ड्यूक होती ना इस टाइम पे, मैं इतना खुश होता ना, इतना खुश। पर ड्यूक को अगर मैं लाता तो यहाँ नंगा हो जाता मैं। मैं खड़े उठ के ही चला रहा हूँ भाई गाड़ी, मुझे नींद आ रही है वरना बैठ के। तो मैं पीछे बैठ रखा हूँ और पीछे कुशी कुशी भी कंफर्टेबल है मेरी। कितनी प्यारी जगह है बाबा, कितनी प्यारी। हैरान हूँ अभी तक चला रहा हूँ मैं गाड़ी। कल शाम 5 बजे से अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, जब मेरे मन में कुछ आती है ना तब तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने। यू सी दिस 1152 किलोमीटर एंड स्टिल गोइंग। हाल बेहाल हो रखे हैं पर कोई नहीं। ये देखो मेरे पीछे, मतलब यार जगह एक से एक देखने को मिल रही है मतलब रास्ते में यार। ओहो, नागपुर बहुत दूर है यार। ये वाली रोड कितनी सेक्सी है यहाँ पे। 900 का कर दो ऐसे पूरा। हाँ गरम 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 गरम। अरे फिर से टोल आ गया रे बाबा। पर अपन का क्या, अपन का तो फ्री है। 2400 या 2500 टोल है। बहुत सारे यार, बहुत सारे टोल। मौसम है धूप वाला, अच्छा हुआ मैंने रात में ट्रैवल कर दिया। मुझे ना अब नींद आ रही है ना कुछ, सब उड़ गया, सब उड़ गया। हैं? वहाँ लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस। ये क्या एरिया है ये मुझे समझाओ थोड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे वाह, नागपुर की एंट्री में देखो क्या सेक्सी सा ये सीन दिखा। अरे ये क्या है, आते ही साथ मजाक हो गया। नागपुर ने ऐसा करा हमारा स्वागत। मेरे अंदर इतनी हिम्मत अभी भी है कि मैं नॉन स्टॉप उत्तराखंड से हैदराबाद जाऊं। सोचो आप लोग, सोचो, मैंने तो सोच दिया, अब आप लोग सोचो। अरे नहीं भाई, ये क्या बना रखा, नागपुर मेट्रो। अच्छे मेट्रो का है, ओफा। मैं आज तक अभी नहीं है भाई, पहली बार तो कहीं बाहर निकला हूँ। अरे भाई कितना मतलब अब जाके एंटर हुआ मैं नागपुर में, और उतनी देर से बस नागपुर के बोर्ड बोर्ड बोर्ड। भाई साहब इतने बोर्ड देख दिया मैंने नागपुर के, पूछो मत। थक लग गई देख देख के बोर्ड, गर्दन मुड़ गई मेरी ऊपर हो गई। और अभी बात करी मैंने दोस्तों से और उन्होंने रूम पहले ही करा रखा है और अभी वो आए नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ ये मेरे दोस्त कौन है। ये मेरे दोस्त है गेम वाले मतलब गेम से मेरे फ्रेंड बन रखे हैं और काफी अच्छे है लड़के, काफी अच्छे दोस्त है। तो बस हमारा प्लान बना था कि मीटअप करते हैं हम लोग। दिक्कत ये हुई थी जब मेरा मोबाइल खराब हुआ था उस सुबह को निकलना था मैंने, पर नहीं निकल पाया मैं। तो इन्होंने बोला कि तेरी वजह से प्लान कैंसिल हो गया ये सब वो। फिर एक सिंपल बात याद आई कि यार एक इंसान की जुबान होती है तो वो हमेशा बने रहनी चाहिए। तो उस चक्कर में कल शाम को 5 बजे निकला और अभी 11 बजे मैं नागपुर पहुंच गया हूँ। देख रहे हो ये जो राइड है मेरी, ये नॉन स्टॉप राइड हुई है 1321 किलोमीटर की। मुझे जहाँ तक लगता है आप मुझे कमेंट में बताओ कि 1321 किलोमीटर की राइड किसने करी है, इतनी लंबी राइड एक ही बारी में बिना रेस्ट करे। तो ये मुझे जरूर बताना किस किसने करी है। देखो मैंने तो कर दी है, मेरे पे तो मैंने तो सामने सामने करी हुई है, ठीक है। 1321, मुझे अभी नींद आ रही है पहले तो यार, अभी मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इतना ज़्यादा यार। मतलब चलता तो वैसे भी नहीं है पर अभी इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है, सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले तो मैं रूम पे जाता हूँ, होटल वुडलैंड। अरे क्या कर रहा है भाई, ये गाड़ी के नीचे आएगा।
हवस के चक्कर में गाड़ी के नीचे आने को रेडी हो जाते हैं यार कुत्ते, पता नहीं क्या है, थोड़ा कंट्रोल करो। होटल वुडलैंड अच्छा है तो मजे है, होटल वुडलैंड वहाँ से नीचे जाके लेफ्ट लेके गीतांजलि चौक से राइट लेना है और तब आ जाएगा अपना। बुलेट में था यार वो मोबाइल का माउंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सही में, मोबाइल के माउंट के बिना तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए वैसे, मैं पता नहीं क्यों चली गया। अब एक तो एक बार मैं निकल जाता हूँ ना उसके बाद मुझे कुछ नहीं देखना, उसके बाद बस चलते रहो रुकना ही नहीं है। वो तो बोल रहा है कि दिख नहीं रहा क्या इतने लोग लगे हुए, ऐसा क्या मैं जाती नहीं ना, पता नहीं किसने बिठा दिया रिसेप्शन में। तो यार ये रहा होटल जहाँ हम रुके हुए, अभी मेरे दो साथ के दोस्त भी आने हैं, तो जैसी वो आते हैं मिलाता हूँ आपको उनसे।